हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों के लिए अजमेरा फैशंस का एक और वीडियो लेके आई हूँ जिसमें वो आपको बनारसी साड़ीज दिखाने वाले हैं। और ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ उन सब्सक्राइबर्स या उन व्यूवर्स के लिए है जो घर से कपड़े बेचने का काम करते हैं या जिनकी दुकान है कपड़ों की, ताकि वो अजमेरा फैशन से जो कपड़े हैं वो लेके अपने घर से या अपनी शॉप से बेच सके। ये एक होलसेलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है सूरत की, तो अगर आप इनसे कपड़ा खरीदना चाहें तो आप सूरत जाके भी इनसे कपड़ा खरीद सकते हैं, या ऑनलाइन भी अगर खरीदना चाहते हैं तो इनकी जितनी भी डिटेल्स हैं इनको अप्रोच करने के लिए वो सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी और आगे वीडियो में भी देखने के लिए मिल जाएंगी। ये होलसेल में ही डील करते हैं, तो आप इनसे एक दो पीसेस नहीं खरीद सकते हैं, आपको कम से कम इनसे 10 से ज़्यादा पीसेस खरीदने पड़ेंगे तभी आप इनसे कोई भी प्रोडक्ट जो है वो बाय कर सकते हैं। ये लॉट में डील करते हैं, एक दो सिंगल पीसेस सेल नहीं करते हैं। तो याद रखिए, आपको अगर इनका और भी कोई कलेक्शन देखना है तो आप इनका यूट्यूब जो चैनल है वहाँ पर जाके और कलेक्शन भी देख सकते हैं। सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अजमेरा फैशन के यूट्यूब चैनल अजमेरा फैशन पर। दोस्तों आज जो हम लोग वीडियो पे जो कलेक्शन दिखाने वाले हैं टोटली बनारसी पैटर्न का कलेक्शन है। दोस्तों बनारसी पैटर्न पहले के जमाने में ओनली बनारस में ही बना करता था। उस टाइम बनारसी साड़ी का प्रोडक्शन लेवल बहुत ही कम होता था, कारीगर लोग खुद के हाथ से वर्क करके वो साड़ियाँ बनाते थे। पर आज के ज़माने में टोटली जो बनारसी पैटर्न बन रहा है टोटली मशीन पे बनता है, व्यूइंग की मशीनों से उस पर पूरा कॉन्सेप्ट तैयार होता है जो पैटर्न मैं आपको आज दिखाने वाला हूँ। ये सारा जो बनारसी पैटर्न मैं दिखा रहा हूँ तो दोस्तों ये टोटली हमारा खुद का ही मैन्युफैक्चरिंग है। सो मैं एक एक करके आपको कलर रेंज के साथ वेरिएशन बताऊँगा और बनारसी पैटर्न भी दिखाऊँगा। दोस्तों जैसे आप देख पा रहे हैं बनारसी पैटर्न की ये फोल्डिंग एक एक्सक्लूसिव फोल्डिंग आती है, पर आजकल जो फोल्डिंग चल रही है वो कैटलॉग टाइप की भी फोल्डिंग हो रही है जिसमें अलग अलग पैटर्न्स आते हैं, इस टाइप से भी इसकी फोल्डिंग की जाती है। अभी जो मैं पैटर्न दिखा रहा हूँ खुली बनारसी पैटर्न है, टोटली इसमें जरी का काम है और जो इसमें फैब्रिक यूज किया हुआ है लीची बेस है। देखिए दोस्तों पूरा रिच पल्लू के साथ ये कॉन्सेप्ट तैयार किया हुआ है, जैसे आप देख पा रहे हैं फुल रिच पल्लू है इसमें। ये जो गोल्डन कलर का आपको जो नज़र आ रहा है शाइनिंग कर रहा है, पूरा जरी का वर्क है इसमें। जैसे मैंने बताया बेस जो लिया हुआ है लीची बेस लिया हुआ है, साथ में जरी की बूटियाँ दी हुई है, पूरा हेवी बॉर्डर कॉन्सेप्ट है इसमें। दोस्तों इस बनारसी पैटर्न में बहुत सारे कलर्स हमारे पास अवेलेबल रहते हैं, डेली के बेसिस पे कॉन्सेप्ट रोज डिज़ाइनर तैयार करते हैं और रोज़ नया कलेक्शन आता रहता है। ये देखिए ये हाफ हाफ कॉन्सेप्ट में रेडी किया हुआ है, आगे का पोर्शन पल्लू है, फिर ये बॉडी का पोर्शन है। इसमें जैसे आप देखेंगे फुल जरी का काम है, पूरा वीविंग का वर्क किया हुआ है इसमें। देखिए इसमें एकदम सिंपल सोबर ब्लाउज पीस दिया हुआ है, क्योंकि साड़ी बहुत हैवी है उसके अकॉर्डिंग सोबर ब्लाउज दिया हुआ है ये स्लीव्स के लिए। इसमें पूरा बॉर्डर कॉन्सेप्ट है जैसे देख पा रहे हैं, फुल हेवी वर्क का कॉम्बिनेशन भी दिया हुआ है इसमें। जैसे आप देख रहे हैं रिच पल्लू के साथ इसमें डायमंड का डिस्प्ले इस टाइप से किया हुआ है जो कि मिक्स एंड मैच भी नहीं हो रहा, पूरा बोलते हैं ना खिचड़ी पक रही है वैसा भी नहीं हो रहा, एकदम जहां जरूरत थी वहीं इसका डायमंड का डिस्प्ले किया हुआ है। देखिए पूरा रिच पल्लू के साथ ये कॉन्सेप्ट तैयार किया हुआ है, जैसे आप देख पा रहे हैं फुल रिच पल्लू है इसमें। ये जो गोल्डन कलर का आपको जो नज़र आ रहा है शाइनिंग कर रहा है, पूरा जरी का वर्क है इसमें। जैसे मैंने बताया बेस जो लिया हुआ है लीची बेस लिया हुआ है, साथ में जरी की बूटियाँ दी हुई है, पूरा हेवी बॉर्डर कॉन्सेप्ट है इसमें। देखिए पूरा रिच पल्लू इसमें दिया हुआ है, और यहाँ पे जो देखेंगे वीविंग की कलाकारी ऐसे लग रहा है ये प्रिंट किया ये पोर्शन, पर ये प्रिंटेड नहीं है, ये टोटली वीविंग का ही काम है इसमें। फुल हेवी कॉम्बिनेशन के साथ में ये पैटर्न दिया हुआ है, रिच पल्लू है इसमें। और जो आप ये कलर वेरिएशन देख रहे हैं ब्लू कलर, ऑरेंज कलर, सिल्वर कलर, ये पूरा धागे का कॉम्बिनेशन है, वीविंग वर्क के ही साथ है और फुल हेवी कॉम्बिनेशन है इसमें। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अजमेरा फैशन के यूट्यूब चैनल अजमेरा फैशन पर। दोस्तों आज जो हम लोग वीडियो पे जो कलेक्शन दिखाने वाले हैं टोटली बनारसी पैटर्न का कलेक्शन है।
दोस्तों बनारसी पैटर्न पहले के ज़माने में ओनली बनारस में ही बना करता था। उस टाइम बनारसी साड़ी का प्रोडक्शन लेवल बहुत ही कम होता था, कारीगर लोग खुद के हाथ से वर्क करके वो साड़ियाँ बनाते थे। पर आज के ज़माने में टोटली जो बनारसी पैटर्न बन रहा है टोटली मशीन पे बनता है, विविंग की मशीनों से उस पर पूरा कॉन्सेप्ट तैयार होता है, जो पैटर्न मैं आपको आज दिखाने वाला हूँ। ये सारा जो बनारसी पैटर्न मैं दिखा रहा हूँ तो दोस्तों ये टोटली हमारा खुद का ही मैन्युफैक्चरिंग है। सो मैं एक एक करके आपको कलर रेंज के साथ वेरिएशन बताऊंगा और बनारसी पैटर्न भी दिखाऊंगा। दोस्तों जैसे आप देख पा रहे हैं बनारसी पैटर्न की ये फोल्डिंग एक एक्सक्लूसिव फोल्डिंग आती है, पर आजकल जो फोल्डिंग चल रही है वो कैटलॉग टाइप की भी फोल्डिंग हो रही है, जिसमें अलग अलग पैटर्न आते हैं, इस टाइप से भी इसकी फोल्डिंग की जाती है। अभी जो मैं पैटर्न दिखा रहा हूँ फुली बनारसी पैटर्न है, टोटली इसमें जरी का काम है और जो इसमें फैब्रिक यूज किया हुआ है लीची बेस है। देखिए पूरा रिच पल्लू के साथ ये कॉन्सेप्ट तैयार किया हुआ है, जैसे आप देख पा रहे हैं फुल रिच पल्लू है इसमें। ये जो गोल्डन कलर का आपको जो नजर आ रहा है शाइनिंग कर रहा है, पूरा जरी का वर्क है इसमें। जैसे मैंने बताया बेस जो लिया हुआ है लीची बेस लिया हुआ है, साथ में जरी की बूटियां दी हुई है, पूरा हेवी बॉर्डर कॉन्सेप्ट है इसमें। दोस्तों इस बनारसी पैटर्न में बहुत सारे कलर्स हमारे पास अवेलेबल रहते हैं, डेली के बेसिस पे कॉन्सेप्ट रोज डिजाइनर तैयार करते हैं और रोज नया कलेक्शन आता रहता है। ये देखिए ये हाफ हाफ कॉन्सेप्ट में रेडी किया हुआ है, आगे का पोर्शन पल्लू है, फिर ये बॉडी का पोर्शन है। इसमें जैसे आप देखेंगे फुल जरी का काम है, पूरा विविंग का वर्क किया हुआ है इसमें। देखिए इसमें एकदम सिंपल सोबर ब्लाउज पीस दिया हुआ है, क्योंकि साड़ी बहुत हैवी है उसके अकॉर्डिंग सोबर ब्लाउज दिया हुआ है। ये स्लीव्स के लिए इसमें पूरा बॉर्डर कॉन्सेप्ट है, जैसे देख पा रहे हैं फुल हैवी वर्क का कॉम्बिनेशन भी दिया हुआ है इसमें। जैसे आप देख रहे हैं रिच पल्लू के साथ इसमें डायमंड का डिस्प्ले इस टाइप से किया हुआ है, जो कि मिक्स एंड मैच भी नहीं हो रहा, पूरा बोलते हैं ना खिचड़ी पक रही है वैसा भी नहीं हो रहा, एकदम जहाँ जरूरत थी वहीं इसका डायमंड का डिस्प्ले किया हुआ है। देखिए पूरा रिच पल्लू के साथ ये कॉन्सेप्ट तैयार किया हुआ है, जैसे आप देख पा रहे हैं फुल रिच पल्लू है इसमें। ये जो गोल्डन कलर का आपको जो नज़र आ रहा है शाइनिंग कर रहा है, पूरा जरी का वर्क है इसमें। जैसे मैंने बताया बेस जो लिया हुआ है लीची बेस लिया हुआ है, साथ में जरी की बूटियाँ दी हुई है, पूरा हेवी बॉर्डर कॉन्सेप्ट है इसमें। देखिए पूरा रिच पल्लू इसमें दिया हुआ है, और यहाँ पे जो देखेंगे विविंग की कलाकारी, ऐसे लग रहा है ये प्रिंट किया ये पोर्शन, पर ये प्रिंटेड नहीं है, ये टोटली विविंग का ही काम है इसमें। फुल हैवी कॉम्बिनेशन के साथ में ये पैटर्न दिया हुआ है, रिच पल्लू है इसमें। और जो आप ये कलर वेरिएशन देख रहे हैं ब्लू कलर, ऑरेंज कलर, सिल्वर कलर, ये पूरा धागे का कॉम्बिनेशन है, विविंग वर्क के ही साथ है और फुल हैवी कॉम्बिनेशन है इसमें। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अजमेरा फैशन के यूट्यूब चैनल अजमेरा फैशन पर। दोस्तों आज जो हम लोग वीडियो पे जो कलेक्शन दिखाने वाले हैं टोटली बनारसी पैटर्न का कलेक्शन है। दोस्तों बनारसी पैटर्न पहले के ज़माने में ओनली बनारस में ही बना करता था। उस टाइम बनारसी साड़ी का प्रोडक्शन लेवल बहुत ही कम होता था, कारीगर लोग खुद के हाथ से वर्क करके वो साड़ियाँ बनाते थे। पर आज के ज़माने में टोटली जो बनारसी पैटर्न बन रहा है टोटली मशीन पे बनता है, विविंग की मशीनों से उस पर पूरा कॉन्सेप्ट तैयार होता है, जो पैटर्न मैं आपको आज दिखाने वाला हूँ। ये सारा जो बनारसी पैटर्न मैं दिखा रहा हूँ तो दोस्तों ये टोटली हमारा खुद का ही मैन्युफैक्चरिंग है। सो मैं एक एक करके आपको कलर रेंज के साथ वेरिएशन बताऊँगा और बनारसी पैटर्न भी दिखाऊँगा। दोस्तों जैसे आप देख पा रहे हैं बनारसी पैटर्न की ये फोल्डिंग एक एक्सक्लूसिव फोल्डिंग आती है, पर आजकल जो फोल्डिंग चल रही है वो कैटलॉग टाइप की भी फोल्डिंग हो रही है, जिसमें अलग अलग पैटर्न आते हैं, इस टाइप से भी इसकी फोल्डिंग की जाती है। अभी जो मैं पैटर्न दिखा रहा हूँ फुली बनारसी पैटर्न है, टोटली इसमें जरी का काम है और जो इसमें फैब्रिक यूज किया हुआ है लीची बेस है। देखिए पूरा रिच पल्लू के साथ ये कॉन्सेप्ट तैयार किया हुआ है, जैसे आप देख पा रहे हैं फुल रिच पल्लू है इसमें। ये जो गोल्डन कलर का आपको जो नज़र आ रहा है शाइनिंग कर रहा है, पूरा जरी का वर्क है इसमें। जैसे मैंने बताया बेस जो लिया हुआ है लीची बेस लिया हुआ है, साथ में जरी की बूटियाँ दी हुई है, पूरा हेवी बॉर्डर कॉन्सेप्ट है इसमें।
दोस्तों इस बनारसी पैटर्न में बहुत सारे कलर्स हमारे पास अवेलेबल रहते हैं। डेली के बेसिस पे कॉन्सेप्ट रोज डिजाइनर तैयार करते हैं और रोज नया कलेक्शन आता रहता है। ये देखिए, ये हाफ हाफ कॉन्सेप्ट में रेडी किया हुआ है। आगे का पोर्शन पल्लू है, फिर ये बॉडी का पोर्शन है। इसमें जैसे आप देखेंगे फुल जरी का काम है, पूरा वीविंग का वर्क किया हुआ है इसमें। देखिए इसमें एकदम सिंपल सोबर ब्लाउज पीस दिया हुआ है, क्योंकि साड़ी बहुत हैवी है उसके अकॉर्डिंग सोबर ब्लाउज दिया हुआ है। ये स्लीव्स के लिए इसमें पूरा बॉर्डर कॉन्सेप्ट